आज के हमारे इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कि साइकोलॉजी साइकोलॉजी नेचुरल साइंस कैसे है, है? ठीक को हम एक साइंस की तरह कैसे समझ सकते हैं देखो हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कस किया उसमें हमने क्या एक चीज देखी कि साइकोलॉजी साइंस से रिलेटेड है जो कि स्पेशली न्यूरो साइंस कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन कंप्यूटर इंट्रैक्शन इन सब में साइकोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप टेक्नोलॉजीज बना रहे हो आप टेक्निक्स न्यू टेक्निक्स ला रहे हो न्यू इनोवेशंस लेके आ रहे हो आप रोबोट बना रहे हो आप कंप्यूटर्स बना रहे हो हर एक चीज किसके लिए है ह्यूमन्स के लिए है तो वो सारी चीजों के लिए हमें ह्यूमन्स को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे पास में साइकोलॉजिकल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है अनलेस एंड अंटिल हमारे पास साइकोलॉजिकल नॉलेज नहीं होगा तो ये जो भी हम साइंटिफिक टेक्निक्स जो भी लेके आ रहे हैं जो भी इनोवेशन हम कर रहे हैं इन सारी चीजों का कोई सेंस नहीं होगा इन सारी चीजों को हम नहीं समझ पाएंगे जैसे हमने एक एग्जाम्पल देखा कि रोबोट्स हैं रोबोट्स आजकल बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में जो है वर्क कर रहे हैं किसकी तरह जो है आ, सर्वेंट्स की तरह मतलब जो है वो कर रहे हैं कि कैसे जो है हम जो भी हमारे यहाँ पर कस्टमर्स आएंगे वो जो भी हमें फूड ऑर्डर देंगे तो हम उसके लिए जो है फूड उनको लेकर आएंगे मतलब आ, लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो रोबोट जो है वो काम करेंगे ह्यूम्स की तरह काम करेंगे अब जब रोबोट ह्यूमन्स की तरह काम करेंगे तो ह्यूमन्स कैसे वर्क करते हैं ह्यूमन माइंड कैसे वर्क करता है ये एक

Soul, जहां हम माइंड, मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं आ, कैसे माइंड वर्क करता है, कैसे ह्यूमंस वर्क करते हैं इन सारी चीजों को समझते हैं क्या होते है, कोई बहुत सीरियस है कोई बहुत, है, कोई बहुत है तो ये सारी चीजें कैसे वर्क करती है और भी ढेर सारी चीजें बट धीरे धीरे जब साइकोलॉजी जो है वो एस्टैब्लिश होता है एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन मतलब धीरे धीरे साइकोलॉजी जो है और ज्यादा इमर्ज होता है और अब जो है मॉडर्न साइकोलॉजी एस्टैब्लिश होता है तो मॉडर्न साइकोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ क्योंकि हमने जो भी साइकोलॉजिकल फिनमिना है उसे पढ़ने के लिए साइंटिफिक मेथड यूज करी मतलब कि फैक्ट्स को यूज करना चीजों को ऑब्जर्व करना एक्सपेरिमेंट्स करना और इन सारी चीजों के थ्रू रिसर्च कंडक्ट करना डेटा कलेक्ट करना इन सारी चीजों के थ्रू हमने जो है साइकोलॉजी को मॉडर्न साइकोलॉजी बनाया या एज अ साइंटिफिक डिस

Science places a great deal of emphasis on objectivity with विच कैन बी ऑबटेंड इफ देर इज अ कंसेंसिड ऑन द डेफिनेशन ऑफ द कंसेप्ट एंड हाउ इट कैन बी मेजर साइंस की जब हम बात करते हैं ठीक है साइकोलॉजी जो है वो यंग साइंस है और साइकोलॉजी में हमने साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ किया तो बेसिकली जो साइंस होती है उसमें सबसे ज्यादा फोकस किस पर होता है ऑब्जेक्टिविटी पर जहाँ पर हम इन जनरल चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं हम फैक्ट्स की बात करते हैं हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो है चीज़ों को समझते हैं जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली exactly क्या चीज़ें हैं एग्जैक्टली वॉट चीज़ ठीक है इस एक चीज पर जो है हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं और ये एक इंफॉर्मेशन हमारे पास में कब ऑप्टेंट होगी जब जैसे हम किसी भी चीज की बात कर रहे हैं हम किसी भी साइकोलॉजिकल फिनोमेना को स्टडी कर रहे हैं किसी भी कंसेप्ट को स्टडी कर रहे हैं तो उसको लेके एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए कि ये एक चीज क्या है और दूसरी चीज उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हम साइकोलॉजी uh, की बात करें साइकोलॉजी में साइंस की हम बात करें या साइंटिफिक या मॉडर्न साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो हम मेजर कर रहे हैं यहाँ पर uh, कि कोई पर्सन जो है वो कौन कौन सी चीज़ों के थ्रू बहुत ज़्यादा खुश रहता है

हमने देखा कि साइकोलॉजी एक नेचुरल साइंस है साइकोलॉजी धीरे धीरे अपने फिनिना अपने कंसेप्ट में साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करती है और साइंस जो है वो ऑब्जेक्टिविटी की बात करती है तो बेसिकली अब साइकोलॉजी कैसे इवॉल्व हुई साइकोलॉजी कैसे एक नेचुरल साइंस बनी इस एक चीज़ को हमको समझना है तो साइकोलॉजी को जो है डेस्कार्ट के थ्रू कहीं ना कहीं इसका इमर्जेंस स्टार्ट होता है या साइकोलॉजी जो है वो डेस्कार्ट्स के जो आइडियाज़ होते हैं उनसे इन्फ्लुएंस होती है और फिर जब धीरे धीरे फिजिक्स ग्रो होती है ठीक है फिजिक्स आपने पढ़ी है ना क्लास टेंथ तक तो फिजिक्स हम सभी ने पढ़ी है सो so, फिजिक्स के जब कॉन्सेप्ट ग्रो होते हैं या जब फिजिक्स डेवलप होती है तो इसके साथ में साइकोलॉजी भी डेवलप होती है और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है इंपॉर्टेंट मॉडल है दैट इज हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल अब क्या है ये मॉडल ये मॉडल हमें कैसे समझाएगा कि साइकोलॉजी एक नेचुरल साइंस है तो हमने देखा कि साइंस में किसी एक चीज की जरूरत है अगर आप साइंस में किसी भी कंसेप्ट को लेके कोई भी जो है एक्सप्लेन करने वाले हो उसके ऊपर कोई स्टडी करने वाले हो कोई रिसर्च करने वाले हो तो सबसे पहले उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए एक ऐसी डेफिनेशन जिस पर सभी एग्री करते हो और दूसरी चीज उसको हम मेजर कैसे करने वाले हैं जो भी कंसेप्ट है उसको हम कैसे मेजर करेंगे ये दो चीजें आपके पास में होनी चाहिए अगर ये दो चीजें आपको किसी भी कंसेप्ट के बारे में पता है ये आप नोट डाउन कर लो अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में ये दो चीजें पता है सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन और दूसरा हमें उसे कैसे मेजर करना है तो आप उस मतलब जो भी आपका कंसेप्ट है या जो भी आपका रिसर्च टॉपिक है उस पर आप अच्छे से रिसर्च कर सकते हो ये आपने अभी तक समझा यह आपने अभी तक पढ़ा अब हमको क्या जानना है कि साइकोलॉजी एक नेचुरल साइंस कैसे है तो उसके लिए लिए हम यहाँ एक हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल की बात करें कि साइकोलॉजी धीरे धीरे ग्रो करा जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इस मॉडल का तो क्या है ये मॉडल दिस मॉडल सजेस्ट दैट साइंटिफिक एडवांसमेंट कैन टेक प्लेस इफ यू हैव अ थ्योरी टू एक्सप्लेन अ फिनोमेना ये मॉडल ये कहता है कि साइंटिफिक एडवांसमेंट तभी होगा हम चीज़ों को साइंटिफिकली स्टडी तभी कर सकते हैं जब हम जिस भी कॉन्सेप्ट को जिस भी फिनिना को एक्सप्लेन करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास में कोई एक थ्योरी है ठीक है जैसे हम जो भी फिनोमिना एक्सप्लेन करना चाहते हैं या जिस भी टॉपिक पर हम रिसर्च करना चाहते हैं अगर उस टॉपिक पर हमारे पास में एक थ्योरी है अगर एक थ्योरी है तो ही हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं तो ही हम उसकी साइंटिफिकली स्टडी कर सकते हैं अब ये कैसे होने वाला है देखो मॉडल का नेम मैंने आपको बता दिया और मॉडल क्या एक चीज़ कहता है कि साइंटिफिक एडवांसमेंट तभी होगा जब जिस भी फिनमिना को आप एक्सप्लेन करना चाहते हो उसकी आपके पास में एक थ्योरी है कैन टेक प्लेस इफ यू हैव अ थ्योरी टू एक्सप्लेन अ फिनोमिना लाइक फॉर एक्जाम्पल अब देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं अ बिग बैंग थ्योरी टू एक्सप्लेन हाउ द यूनिवर्स केम टू बी फाउंड अब जैसे हमने कहा कि फिजिक्स का डेवलपमेंट हुआ तो एक हाइपोथर्टिक और डिडक्टिव मॉडल जो है इन सारी चीजों के थ्रू साइकोलॉजी भी डेवलप होता है तो जो फिजिसिस्ट हैं जो भी फिजिशियंस हैं वो मतलब फिजिशियंस नहीं जो फिजिसिस्ट हैं फिजिक्स से रिलेटेड है वो क्या एक चीज बताते हैं वो बिग बैंग थ्योरी की बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी ये बताती है कि ये सारा यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ है ये सारा यूनिवर्स कैसे बना है ठीक है ये कौन बता रही है ये बता रही है बिग बैंग थ्योरी तो हमारे पास में यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ ये फिनोमिना है कि यूनिवर्स कैसे बना और इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास में बिग बैंग थ्योरी है और जब हमने उस बिग बैंग थ्योरी को एक्सप्लेन किया तो हमें पता चला कि यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ और अल्टीमेटली हमने इसको साइंटिफिकली स्टडी करा हम साइंटिफिकली एडवांस हुए हमने इस चीज को एज अ साइंस स्टडी किया अब क्या है बिग बैंग थ्योरी तो बिग बैंग थ्योरी जो आप मतलब बहुत छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो कि

पॉइंट से धीरे धीरे यूनिवर्स बना ठीक है ये एक सिंगल पॉइंट था और ये धीरे धीरे एक्सपेंड होता गया धीरे धीरे स्ट्रेच होता गया मतलब कि दूर दूर तक जो है ऐसे खिंचता चला गया और धीरे धीरे जो है ऐसे एक्सपेंड होता जा रहा है जिसकी वजह से आज ये पूरा यूनिवर्स जो है बना हुआ है मतलब ये जो छोटा सा पॉइंट था ये स्ट्रेच हो रहा है ठीक है ये क्या हो रहा है फैल रहा है दूर दूर जा रहा है जिसकी वजह से ये पूरा यूनिवर्स बना और ये यूनिवर्स स्टिल जो है वो बड़ा होता जा रहा है स्टिल स्ट्रेच जो है वो होता

अब थ्योरी क्या है थ्योरी ऐसा सच कुछ ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है बल्कि इसमें बस इस स्टेटमेंट्स हैं बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स ने अपने अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं कि कैसे यूनिवर्स जो है वो बना है कैसे यूनिवर्स जो है वो एग्जिस्टेंस में आया है ये जो पूरा एक कॉम्प्लेक्स फिनमोना है ये जो एक पूरा यूनिवर्स है जिसमें आपके स्टार्स है जिसमें आपकी जो है सारे प्लान हैं जिसमें आपका सब कुछ ऐसा नमोने सब कुछ है ठीक है और ये सारी चीजें कैसे बनी तो उन्होंने जो है उसको लेके ढेर सारे स्टेटमेंट्स दे दिए और ये स्टेटमेंट्स जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो इस तरह से हम जो है एक्सप्लेन uh, कर पाए कि कैसे यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया बेस्ड ऑन द थ्योरी साइंटिस्ट डिड्यूस और प्रपोज अ हाइपोथेसिस दैट ऑफर्स अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ अ सर्टेन फिनोमेना टेक्स Place. अब इस थ्योरी पर ही या इस थ्योरी को ही लेके ही जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं एक से होती होगी मतलब बना रहे हैं एक चीज सोच रहे हैं कि क्या एक चीज कर जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया है तो आप पूरे दिन बहुत फ्रेश फील करोगे और आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी रहेगी या आप कोई एग्जाम देने जाते हो तो अगर आप ब्रेकफास्ट करके एग्जाम देने जाते हो तो ना ही आपको जो है स्लीपीनेस होगी ना ही आपकी एनर्जी डाउन होगी आप फुल ऑन एनर्जी के साथ में आपका माइंड पूरा जो है मतलब बिल्कुल आ, आ, क्या बोलते हैं फोकस्ड रहेगा और आप अच्छे से एग्जाम दे पाओगे ठीक है तो यहां पर जो एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें किस तरह से बच्चे जो है मतलब मतलब बिल्कुल अटेंटिव रहेंगे रहेंगे कैसे फोकस रहेंगे? तो उस एक एक चीज चीज के लिए हमने हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस मतलब ये एक हो गई कि अगर बच्चे ब्रेकफास्ट करके जा रहे हैं तो मतलब कि वो जो है बिल्कुल फोकस रहेंगे बिल्कुल एनर्जेटिक रहेंगे और अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे तो ये एक हाइपोथेसिस होता है तो इसी थ्योरी को लेकर जो है यूनिवर्स कैसे एग्जिस्ट करता है साइंटिस्ट ने कुछ अपने अपने हाइपोथिस बनाए और फिर उस हाइपोथिस को लेकर इस फिन को एक्सप्लेन किया गया कि यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में कैसे आया, कैसे आया यूनिवर्स बना अब जो भी हाइपोथेसिस बना लिया जो भी हमने बनाया है, कि जो है कुछ इस तरह से बना है एक्सपेंड हुआ है, या एक छोटा सा सिंगल सा पॉइंट था वो धीरे धीरे स्ट्रेच होता चला गया ये एक क्या थ्योरी थी? थी मतलब देखो फिनोमेना क्या है? फेनोमेना है आपका कि यूनिवर्स कैसे बना ये क्वेश्चन है ठीक है इन शॉर्ट ये क्या है ये क्वेश्चन है इसको लेके एक थ्योरी दे दी थ्योरी कौन सी दे दी बिग बैंग थ्योरी ये बिग बैंग थ्योरी के बेसिस पर हमने एक हाइपोथेसिस बनाया कि एक सिंगल सा पॉइंट था और वो पॉइंट स्ट्रेच होता चला गया और अल्टीमेटली यूनिवर्स बन गया अब इस हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करेंगे कि क्या ये जो कहा गया है ये सही है या गलत है अगर ये सही है तो आपकी हाइपोथेसिस सही हो जाएगी ठीक है मतलब जो भी आपने यहां पर सोचा था जो भी आपने बोला था कि सिंगल पॉइंट से यूनिवर्स बना वो हाइपोथेसिस सही हो जाएगी और आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी लेकिन अगर आपकी हाइपोथेसिस गलत है ठीक है अगर आपकी हाइपोथेसिस जो है वो गलत है जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है तो वो भी पूरा गलत हो जाता है The theory is revised if data gathered point in a different direction than the one suggested by the hypothesis. Hypothesis क्या कह रहा है single से point से पूरा universe बना। अब आप उस hypothesis को test करोगे। आप देखोगे कि exactly ये single point से सारा universe बना है या उसके पीछे और भी सारे reasons थे। अगर हाइपोथेसिस सही हुआ और प्रूव हो गया तो आपकी रिसर्च जो है वो कंप्लीट हो जाएगी एक साइंटिस्ट की जो रिसर्च है वो कंप्लीट हो जाएगी लेकिन अगर हाइपोथेसिस गलत है या जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है वो किसी गलत फॉर्म में है या वो सही चीज पर नहीं जा रहा है तो हम उसको वापस से जो है पूरी से रिसर्च को जो है वापस से स्टार्ट करेंगे वापस से हाइपोथीसिस बनाएंगे वापस से जो है डेटा कलेक्ट करेंगे सही डायरेक्शन में तो इस तरह से हम पूरी एक रिसर्च को क्या करने वाले हैं कंडक्ट करने वाले हैं Using the above approach, psychologists have developed theories of learning, memory, attention, perception, motivation, and emotion, etc., and have made significant progress. इस एक approach के basis पर, यहाँ जो आपने एक example समझा कि कैसे एक phenomenon को explain करने के लिए एक theory होती है, फिर उस theory को टेस्ट किया जाता है और अगर वो थ्योरी सही होती है तो हमारा एक कंक्लूजन बन जाता है और अगर वो थ्योरी गलत पाई जाती है या उसमें जो भी है है वो गलत पाया जाता है, तो उसके बाद में हमको वापस से डेटा कलेक्ट करना होता है और वापस से हम उसके ऊपर रिसर्च करते हैं इस एक अप्रोच को यूज करते हुए इस एक अप्रोच को जो आपने अप्रोच यहां पर समझा यूज करते हुए साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारे फिनमिना या बहुत सारी थ्योरीज को प्रूव किया है जैसे लर्निंग कोई पर्सन कैसे चीजों को सीखता है मेमोरी आप अपनी मेमोरी में कैसे चीजों को ध्यान रखते हो कैसे आपको चीजें याद रहती है कैसे आपको 10 साल बाद मतलब 10 साल पहले की बात भी जो है वो ध्यान में रहती है या 10 साल पहले क्या एक चीज हुई थी वो आपको ध्यान में रहता है कैसे किसी की मेमोरी बहुत शार्प होती है कैसे किसी की मेमोरी जो है बहुत वीक होती है कैसे कोई बहुत जल्दी जल्दी चीजों को भूल जाता है दो मिनट पहले क्या किया था वही भूल गए कैसे अटेंशन या फोकस जो है किया जाता है मतलब किसी प्लेस पे बहुत ज्यादा शोर हो रहा है बहुत ज्यादा जो है आ, मतलब नॉइस हो रहा है लेकिन उसके बावजूद भी आप किसी अपने पर्टिकुलर वर्क पे फोकस कर पाते हैं जैसे फॉर एग्जांपल मान लो क्लास में स्टूडेंट्स की लड़ाई होगी पांच छह स्टूडेंट्स की लड़ाई होगी लेकिन आप पढ़ रहे थे तो आपने देखा कि भाई मुझे लड़ाई से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा एग्जाम है मैं तो अपनी पढ़ाई करूंगा तो वो फोकस वो अटेंशन आपके अंदर कैसे आए कैसे आप चीज़ों में फोकस करते हो परसेप्शन कैसे आप बिल्ड करते हो चीजों को लेकर आपका अपना परसेप्शन कैसे होता है आप कैसे मोटिव मोटिवेटेड होते हो जैसे कोई पर्सन होता है थोड़ी सी चीज में भी डिमोटिवेट हो जाता है उसका जो एक मतलब वो होता है ना मॉरल जो होता है वो बड़ा ही डाउन हो जाता है लेकिन कोई पर्सन है जो हमेशा बहुत मोटिवेटेड होता है इमोशंस क्या होते हैं कैसे आप लोगों के साथ में फील करते हो आप किसी को पसंद करते हो आप जैसे आपके पेरेंट्स आपके पेरेंट्स के साथ में आपका बहुत ज्यादा लव है बहुत ज्यादा अफेक्शन है तो वो लव अफेक्शन कैसे बिल्डअप होता है ये सारी चीजें कैसे सालों सालों तक बनी रहती हैं इन सारी थ्योरीज को लेके जो है साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च करी अब रिसर्च कैसे की जाती है तो जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया जैसे यहाँ पर हम समझ रहे थे तो आप कोई भी फिनॉमिना ले लो जिस पर आप स्टडी करना चाहते हो जैसे आप देखना चाहते हो कि बहुत ज्यादा मोटिवेशन जो है वो कहां से आती है पर्सन मोटिवेटेड कैसे रहते हैं बहुत बार आप भी बहुत लो फील करते हो गए या एग्जाम से बट किसी तरह की कोई मोटिवेशन नहीं लग रही बहुत बार ऐसा भी होता है एग्जाम से पर भाई डर ही नहीं लग रहा कि एग्जाम्स है तो वो चीजें कहां से आती है हम मोटिवेटेड कैसे रहते हैं ठीक है ये आपका क्वेश्चन है ठीक है इस एक चीज पर आपको जो है रिसर्च करनी है अब एक थ्योरी बनाई एक थ्योरी क्या बनाई कि जो पर्सन बहुत ज्यादा फोकस्ड है जो पॉजिटिव वे में सोचते हैं वो हमेशा बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं ठीक है थ्योरी बनाई थ्योरी ये बनाई कि जो पर्सन बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव सोचते हैं वो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं ये क्या बन गई ये थ्योरी बन गई फिनमिना क्या था कि मोटिवेशन कैसे आती है थ्योरी क्या है जो पॉजिटिव रहते हैं वो बहुत ज्यादा जो है मोटिवेटेड फील करते हैं तो ये एक हाइपोथेसिस बन गया कि अच्छा पॉजिटिव लोग जो होते हैं हैं वो सबसे ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं. अब इसके ऊपर हम रिसर्च करेंगे अब हम क्या करेंगे इसके ऊपर रिसर्च करेंगे इसको जानेंगे कि एग्जैक्टली exactly ये चीज होती है या नहीं होती है तो हमने क्या किया आ, हमने जस्ट सपोज आपके स्कूल में ट्वेल्थ क्लासेस हैं मतलब फर्स्ट से लेकर ट्वेल्थ तक जितनी भी क्लासेस हैं उनमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं जितने भी सेक्शंस हैं हमने सभी से बात करी स्पेशली देखो फर्स्ट से तो नहीं मोटिवेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट हम थोड़ा आगे से लेते हैं हम एट्थ से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमने उन स्टूडेंट से बात करी हमने उनसे रिसर्च मतलब हमने कुछ क्वेश्चन बनाए कि एक्जैक्टली exactly वो कब मोटिवेटेड फील करते हैं कब उनको ऐसा लगता है कि हाँ हमारे अंदर मोटिवेशन है हम चीज़ों को कर सकते हैं या कहाँ से एक जो है एक्साइटमेंट उनके अंदर आता है तो हमने इनके ऊपर रिसर्च करी हमने इनसे क्वेश्चन पूछे हमने जो भी डेटा इनके थ्रू हमने जो भी डेटा

कंक्लूजन बनेगा कि exactly भाई जो है इंसान मोटिवेटेड कैसे फील करता है क्या वो जब पॉजिटिव फीलिंग्स uh, मतलब जब भी वो पॉजिटिव सोचता है क्या तब वो मोटिवेटेड होता है ये हमारा हाइपोथेसिस हो गया ये क्या हो गया हाइपोथेसिस हो गया तो ये हाइपोथेसिस सही था या गलत था मतलब हम जिस डायरेक्शन में रिसर्च कर रहे थे वो हमने सही पाई है या नहीं पाई है अगर ये सब कुछ पॉजिटिव वे में रहता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि पर्सन मोटिवेटेड कैसे फील करता है शायद पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से पर्सन मोटिवेटेड फील करता है और अगर हमें पॉजिटिव थिंकिंग आंसर नहीं मिला तो फिर हम इस रिसर्च को वापस से पूरा कंडक्ट करेंगे हम जानेंगे कि एग्जैक्टली पर्सन मोटिवेटेड कैसे फील करता है हम वापस वापिस हाइपोथीसिस बिल्डअप करेंगे हाइपोथीसिस को टेस्ट करेंगे तो इस तरह से साइकोलॉजिस्ट ने ढेर सारी स्टडी की हुई है इन सारी चीजों पर कि कैसे ये सारी चीजें होती हैं कैसे ह्यूमन माइंड वर्क करता है कैसे ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस कैसे ह्यूमन का बिहेवियर जो है उसकी लाइफ स्टाइल को अफेक्ट करता है ये सारी चीजें ये सारा प्रोसेस एग्जैक्टली exactly कैसे वर्क करता है क्लियर है आ यहां तक समझ में कि साइकोलॉजी भी एक नेचुरल साइंस कैसे है तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था हमने स्टार्ट किया था कि साइकोलॉजी जो है आपके फिजिक्स से, से भी रिलेटेड है आप डेस्कार्ड्स जो है उसके भी व्यूज यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा मैटर रख करते हैं और कैसे साइकोलॉजी जो है वो साइंस से रिलेटेड तो साइंस जहाँ पर हमको एक फिनिना की जरूरत है एक डेफिनेशन की जरूरत है एक थ्योरी की ज़रूरत है उसे मेजर करने की ज़रूरत है जैसे हमने बोला कि यूनिवर्स कैसे एग्जिस्टेंस में आया तो उसके लिए हमने बिग बैंग थ्योरी ली उस पर हमने पूरा रिसर्च किया और फाइनली हमने कंक्लूड किया कि अच्छा यूनिवर्स ऐसे एग्जिस्टेंस में आया तो बिग बैंग थ्योरी को बहुत सारे लोग मानते हैं बहुत सारे लोग उस पर एग्री करते हैं आज उसको आपको स्कूल्स में पढ़ाया भी जाता है तो जैसे साइंस में पूरी रिसर्च होती है वैसे ही साइकोलॉजी में भी पूरी रिसर्च की जाती है वैसे ही सारे फैक्ट्स को और सारे जो है एक्सपेरिमेंट्स करके सारी चीजों को समझा जाता है जाना जाता है और उसके बाद में कंक्लूजन बनाया जाता है सो अल्टीमेटली साइकोलॉजी भी एक नेचुरल साइंस की ही तरह है एंड टिल डेट मोस्ट ऑफ द रिसर्च इन साइकोलॉजी फॉलोज दिस अप्रोच

Natural कैसे होती है? I hope वो आपको clear हो गया होगा. अप्रोच विच इज डॉमिनेट इन बायोलॉजिकल साइंसेज यहां तक हमने natural को पढ़ा. अब एक और जो दूसरा अप्रोच है एक तो हमने रिसर्च वाला अप्रोच लिया दूसरा जो अप्रोच है वो ये है कि इवोल्यूशनरी अप्रोच साइकोलॉजी इवोल्यूशनरी अप्रोच से भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है जो बायोलॉजी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपने चार्ल्स डार्विन की नेचुरल इवोल्यूशन की थ्योरी अगर पढ़ी होगी तो आपको यह चीज पता होगी किसकी चार्ल्स डार्विन नेचुरल इवोल्यूशन थ्योरी नेचुरल इवोल्यूशन थ्योरी अब ये एक थ्योरी क्या कहती है चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा नेचुरल इवोल्यूशन में अच्छा आपको ये सारी चीजें पता है कि पहले जो है आ, मतलब चिंपांजी हुआ करते थे फिर उसके बाद में जो ह्यूमंस हैं वो बने हैं मतलब हम जो है हमारे जो एंसेस्टर थे वो शायद चिंपांजीज हुआ करते थे और एप हुआ करते थे जिनके थ्रू जो है अब ह्यूमन्स बने जो हम कहते हैं ना कि पहले जो है वो बंदर हुआ करते थे मंकीज हुआ करते थे फिर उसके बाद में जो है ह्यूमन्स बने इतना तो आप जानते हो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी क्या कहती है नेचुरल रिवोल्यूशन की वो ये बोलते हैं कि कैसे जो है ह्यूमंस इवॉल्व होते हैं तो वो ये बोलते हैं कि पहले जो है ह्यूमंस वगैरह कुछ नहीं हुआ करते थे पहले तो सिर्फ जो है मतलब आपके एनिमल्स हो गए रेप्टाइल्स वगैरह ये सारी चीजें हुआ करती थी तो एक जो ने एक जनरल आइडिया दिया कि कैसे ये सारी चीजें इवॉल्व हुई तो पहले छोटे छोटे जीव जंतु जो है हुआ करते थे फिर उसके बाद में धीरे धीरे जो है फिश बनी फिश से मैमल्स बने मैमल्स से ऐसे धीरे धीरे चलते चलते जो है चिंपांजी बने एप बने और उसके थ्रू फाइनली ह्यूमन

वेरी वेरी कोल्ड क्लाइमेट था फिर यहाँ थोड़ा सा जो है कम कोल्ड हुआ फिर यहाँ पर कोल्ड हो गया फिर यहाँ पर बहुत ज्यादा हॉट हो गया वेरी हॉट हो गया फिर यहाँ पर मॉडरेट हो गया क्लाइमेट जस्ट सपोज यहाँ हम टाइम पीरियड्स की बात करें मतलब सालों लग गए इसमें सदियाँ लग गई इसमें जो है इस टाइम को इस uh, मतलब टेम्परेचर को चेंज होने में अब जो भी इस टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाया वो लास्ट तक आप आया मतलब जो इस पूरे बहुत ज्यादा ठंडे क्लाइमेट में फिर थोड़े कम फिर और कम फिर बहुत ही ज्यादा गर्मी हो गई फिर बिल्कुल मॉडरेट हो गया जो इन सारी चीजों में सरवाइव कर पाया वही लास्ट तक जिंदा रह पाएगा जैसे सपोज कोई पर्सन था जो इतनी ज्यादा गर्मी सहन नहीं कर पाया और उसकी डेथ हो गई तो वो तो यहीं पर खत्म लेकिन जो इन चीजों को सर्वाइव कर पाएगा वो आगे तक जा पाएगा दैट इज मीन्स सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या आपने पढ़ी होगी क्लास एट्थ में या नाइन्थ में ये जो है चार्ल्स डार्विन की नेचुरल एवोल्यूशन की थ्योरी आपको बहुत छोटी क्लास में पढ़ाई दी जाती है कि कैसे जो भी पर्सन फिट होगा वो आगे तक सर्वाइव करने वाला है और इस सर्वाइवल में जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस थी तो जैसे हमने कहा कि यहाँ पर मान लो फिश थी फिर फिश के बाद में मेमल्स बने फिर उसके बाद में और भी ढेर सारी स्टेजेस आई फिर फाइनली एप्स बने या कहें चिंपांजी बने एंड फाइनली ये चिंपांजी ह्यूम बने तो कुछ इस तरह से जो है ह्यूमंस का इवोल्यूशन होता है और इस इवोल्यूशनरी थ्योरी से इस इवोल्यूशनरी अप्रोच से भी साइकोलॉजी बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस होता है कि एग्जैक्टली exactly इवोल्यूशन हो कैसे रहा है कैसे सारी चीजें इवॉल्व हो रही है सो दिस अप्रोच हैज ऑल्सो बीन यूज टू एक्सप्लेन डाइवर्स काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल फिनमिना सच एज अटैचमेंट एंड अग्रेशन टू मैंशन अ फ्यू और इस एक अप्रोच को भी साइकोलॉजी में यूज किया जाता है कुछ फिनमिना को जो है एक्सप्लेन करने के लिए जैसे अट्रैक्शन होगा गया एग्रेशन हो गया आप किसी से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो आप उनके साथ में बहुत ज्यादा अटैच फील करते हो तो कैसे फील करते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल एक छोटा सा बच्चा है ठीक है अभी वो हुआ है बट अपनी आ, मदर के साथ में उसका एक जो रिलेशन होता है या एक जो उसका अटैचमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और ये बिल्कुल आ, मतलब उसके बड़े होने तक इवन उसकी ओल्ड एज तक ये एक चीज़ चलती है कि आप अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैचड होते हो तो ये जो एक पूरा इवोल्यूशन का टाइम है बट स्टिल हम उनके साथ में अटैच होते हैं तो वो ऐसी कौन सी फीलिंग्स होती हैं वो ऐसी क्या चीज़ें होती हैं वो ऐसे क्या थाट्स होते हैं जो हमें अटैच्ड रखते हैं तो मतलब कि इवोल्यूशन हो रहा है चेंजेस हो रहे हैं बदलाव आ रहा है बस उसके बावजूद भी कुछ प्रोसेसेस हैं कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल फिनोमेना हैं जो एज इट इज रहते हैं जैसे अटैचमेंट अग्रेशन तो कुछ इस तरह के फिनोमेनास को भी साइकोलॉजी में एक्सप्लेन किया जाता है क्लियर है आए यहाँ तक समझ में आई होप इतने में भी आपको ही डाउट नहीं होगा सो so बेसिकली जो हम यहां पर समझ रहे थे कि साइकोलॉजी एक नेचुरल साइंस कैसे है तो हमने समझा सबसे पहले साइंस कैसी होती है फिर इसके बाद में साइंस में किस तरह से रिसर्च किया जाता है फिर हमने देखा कि साइकोलॉजी में भी यही सेम प्रोसेस यूज होते हैं मॉडर्न साइकोलॉजी में भी हम साइंटिफिक मेथड्स को ही यूज करते हैं साइकोलॉजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए उसमें भी हम रिसर्च करते हैं उसमें भी हम हाइपोथेसिस बनाते हैं उसमें भी हम एनालिसिस करते हैं उसमें भी हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस को हमने जो है साइकोलॉजिकल फिनमुनाज को इसी प्रोसेस के थ्रू जो है समझा भी है फिर इसके बाद में हमने देखा कि साइकोलॉजी इवोल्यूशनरी अप्रोच को लेके भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है या बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है तो कैसे वो इस इवोल्यूशन को भी समझता है कैसे साइकोलॉजिकल फिनमिना को इवोल्यूशनरी अप्रोच के थ्रू एक्सप्लेन करता है क्लियर है आई होप इतने में कोई भी डाउट नहीं होगा कि कैसे साइकोलॉजी एक नेचुरल साइंस है अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि साइकोलॉजी एक सोशल साइंस कैसे है आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कोई भी डाउट है कोई भी सजेशन है कोई भी आपका अपना कोई एग्जाम्पल है जो आपके साइकोलॉजी से रिलेटेड है या इस चैप्टर से रिलेटेड है या इस टॉपिक से रिलेटेड है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं है अब बस एक और चीज की आप मैग्नेट बीन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करेंगे तो सभी लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर मिल ही जाते हैं साथ ही साथ में मैग्नेट की जो ऐप है प्ले स्टोर से उसे भी डाउनलोड कर सकते हो आप वेबसाइट को एक्सेस करना है तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है जस्ट गूगल पे जाओ एंटर करो डब्ल्यू 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 डॉट मैगनेट बिंस डॉट कॉम यहां आपको सभी लेक्चर्स मिलेंगे सीक्वेंस वाइज बुक वाइज क्लास वाइज चैप्टर वाइज जो भी क्लास सब्जेक्ट आपको पढ़ना है यहाँ से जस्ट उसको चूज किया सारे सब्जेक्ट के वीडियो आगे स्क्रॉल करोगे और भी वीडियो देखने को मिलेंगे सभी के नीचे वॉचनाओं का बटन है आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है वॉचनाओं पर क्लिक किया और यहाँ पर आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे यहाँ भी आप चैप्टर पे क्लिक करोगे टॉपिक मिल जाएगा सबके आगे वॉचनाओं का बटन है जो भी आपको स्टडी करना है वॉचनाओं पर क्लिक किया और ये वीडियो ओपन अब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो

लाइक कर देना शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में थैंक यू वेरी मच